back to my YouTube channel once again. तो स्वागत आप सभी है brand new video में. तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे गुरदासपुर आया था, तो थोड़ा सा आज मौसम भी ख़राब है, थोड़ी ठंड वगैरह भी लग रही है मेरे को. तो कोई बात नहीं, सबके साथ चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आया था यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस कराने. तो इसकी सेकंड सर्विस ड्यू हो चुकी थी, मेरे को 3000 प्लस किलोमीटर मैंने चला दिया है. तो अभी 22 तारीख तक की मेरे को उन्होंने तारीख दे रखी थी, तो अभी इसके 3000 होने के बाद तो मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ इसकी. तो इसके बाद एक दो ट्रिप शायद में भी छोटे मोटे और आ जाएँ. तो यही था आज भाई मेन आज का जाने का काम. तो उसके बाद आपको एजेंसी वगैरह में मैं जाके मिल जाता हूँ. तो ये वीडियो अगर आपको लग रही हो थोड़ी सी अलग सी, तो एक दो कारण और हो गए थे कि मेरा दो तीन वीडियो का डाटा थोड़ा सा डिलीट हो चुका था किसी वजह के कारण. तो वो वीडियो तो भाई नहीं आ पाएगी अनफॉर्चुनेटली. तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी एक दो, तो और एक दो मैं यहाँ पे पहले भी आया था किसी काम से, तो वो तो नहीं बन पाएगी या नहीं मिल पाएगी आपको. अगर मैं कोशिश करूँ डाटा रिकवरी की, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, पर वैसे लग नहीं रहा मेरे को हो जाएगा. तो उसके बाद यही वीडियो है बस. अब दो तीन वीडियो का कंटेंट तो मिस कर दीजिएगा, कोई बात नहीं. तो अभी मैं गुरदासपुर जाऊँगा अपने दुग्गल मोटर की रूप पे. तो वहाँ से जो कुछ भी होगा अपना सर्विस का काम कुछ आपको सब कुछ बता दूँगा. तो उसके बाद आपको एजेंसी के छोड़ के बाद मिलते हैं. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. अभी फिलहाल सर्विस करा के आया हूँ मैं, तो एक दो शॉट ले पाया मैं, ज़्यादा शॉट ले नहीं पाया क्योंकि आपको पता ही है कि वर्किंग स्टेशन जो भी होते हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह नहीं अलाउ होती. तो वहाँ पे एक दो थोड़े से शॉट लिए बस, वही आपको दिखा दिए. और ज़्यादा ऐसा कुछ खास काम हुआ भी नहीं बाइक में, सिर्फ एक ऑयल चेंज हुआ और एक फिल्टर साफ हुआ बस. बाकी बिल्कुल बीएस6 इंजन जो भी आते हैं मेंटेनेंस फ्री होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा कोई छेड़खानी होती नहीं क्योंकि कार्बोरेटर वगैरह तो होता नहीं है. तो क्या भी काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल लाइन चेकअप वगैरह जो मेंटेनेंस होती है ना, जो भी मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेक लाइन चेक करना, फ्यूल चेक करना, डिस्प्ले दोनों डिस्क पैड चेक करना, अलाइनमेंट चेक करना, वो छोटा मोटा सा भी काम हुआ है, चेन लुब्रिकेट वगैरह. तो बाकी इतना ऐसा सच कुछ मेजर काम हुआ नहीं है यहाँ पे, ना ही वैसे भी बीएस6 में कुछ होता है. तो सर्विस कॉस्ट तो भाई बहुत ही शानदार है. ये आपको मैं बताता हूँ कि पहले जब मैंने सर्विस कराई थी तो उसका कॉस्ट आया था नियर अबाउट 300. तो अभी 400 के आसपास की कॉस्टिंग आई है मेरे को. तो ये बिल्कुल मतलब कि सस्ती वाली कॉस्टिंग आई है. तो ऐसी मतलब कि इतनी सस्ती वाली 200cc बाइक में कभी भी कहीं भी सर्विस होगी नहीं, इतना मैं मतलब कि आपको बता देता हूँ. अगर हो भी जाती है तो भाई कुछ अलग सा सीन होगा क्योंकि इससे कम की सर्विस नहीं होती. मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है अपनी, तो स्प्लेंडर में मैं सर्विस कराता हूँ तो उसकी भी नियर अबाउट 500 के आसपास की सर्विस हो जाती है, जो पीरियोडिक सर्विस होती है जो. तो इसमें तो भाई उससे भी सस्ती वाली सर्विस हो रही है अभी. हालांकि हाँ फ्री सर्विस हो रही है, पर फिर भी अभी इतना कुछ मेजर उसमें चार्जेस वगैरह लगे नहीं. अगर लग भी जाएंगे तो मैक्सिमम 1000 rupees सर्विस के आएंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे मेरे को, इतना मेरे को पता लग गया आज. बाकी सर्विस बढ़िया करके देते हैं जो भी टेक्नीशियन है अपने दुग्गल मोटर्स के हमारे यहाँ पे. तो गुरदासपुर में है यहाँ पे इनका सर्विस स्टेशन, तो बहुत ही बढ़िया काम करके देते हैं ये जितने भी बंदे हैं सभी बाइक के साथ एकदम जुड़ के काम करके देते हैं. जितना भी काम होता है कोई भी ऐसी दिक्कत आपको आएगी नहीं, आपको लगेगा नहीं कि भाई आप प्रोफेशनल वाली जगह पे गए. मेरे को छोटी मोटी दिक्कतें पहले भी आती रहती हैं बाइक में, इतनी यार कुछ मेजर नहीं आती, जैसे कोई नट वगैरह ढीला वगैरह हो जाए, इतनी चलती है बाइक तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है. तो वो भी भाई ठीक करके देते हैं. अभी भी एक दो इशू था, ये हैंड गार्ड का थोड़ा सा इशू था, वे भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है. तो ऐसे छोटे मोटे काम भाई करते रहते हैं. तो भाई बंदे पूरे एकदम प्रोफेशनल हैं, उनको मैं भाई 5-star रेटिंग देना चाहूँगा. तो अभी बस यही था, अभी इतना ज़्यादा लेंथी करेंगे नहीं इस वीडियो को, आज के वीडियो में यही था. तो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए राइडर ड्राइव से सायोनारा.